हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल बिगम वर्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडोब फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के अंतर्गत किसी भी फेस को स्मूथ करना सीखेंगे। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये पोर्ट्रेट कुछ इस तरह का था, ठीक है। यहाँ पे इसके फेस पे देखिए बहुत सारे दाग धब्बे हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइड में आपको जो पोर्ट्रेट दिख रहा होगा इसको हम देखिए एडिट करके कुछ इस तरह का स्मूथ इफेक्ट दिए हैं। तो वो कैसे करेंगे फोटोशॉप 7.0 में, वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये पोर्ट्रेट है, इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, तो इस पोर्ट्रेट पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये फेस देखिए कुछ इस तरह का भी है, इसको मैं जूम करके बता रहा हूँ। जूम करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिए जूम होगा। तो इसके फेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसको एडिट करेंगे अभी, कंट्रोल प्लस जीरो बटन प्रेस किए, ठीक है, स्क्रीन के अनुसार फिट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके यहाँ पे देखिए हम ड्रैग किए तो जूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इसको हम पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसका हम साइज चेक कर लेते हैं इमेज का, ठीक है। साइज इसका छोटा है या बड़ा है, तो अल्ट प्लस डबल आई प्रेस करेंगे, ठीक है। अल्ट प्लस डबल आई, ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको विड्थ में दिख रहा होगा, इसका जो विड्थ है वो 1080 पिक्सल्स है और हाइट जो है 1350 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस है, इस पर चेक है, इसको चेक रहने देंगे। और नीचे जो रिजेंबल साइज है, ठीक है, इस पर भी चेक रहने देंगे। और यहाँ पे बाइक्यूबिक सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, यहाँ से बाइक्यूबिक जो है उसको सेलेक्ट रखेंगे। और यहाँ पे विड्थ में क्या करते हैं, जाते हैं और इसको 250, इसको हम 2500 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो क्या होगा, इससे इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका पिक्सल्स बढ़ जाएगा। जो पोर्ट्रेट था उसका पिक्सल्स पहले कम था, अब इसका पिक्सल्स बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए क्लोन स्टंप टूल है, ठीक है, जिसका शॉर्टकट कमांड है एस, ठीक है। शॉर्टकट कमांड भी प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस पर यहाँ पे टूल बार में आके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऊपर में आएंगे और ब्रश में देखिए क्या करेंगे, जो ब्लरिश टाइप है उसको सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए मॉड नॉर्मल रहने देंगे, ऑपेसिटी 100, फ्लो भी 100 और यहाँ पे अलाइंड जो है इस पर चेक रहने देंगे, ठीक है। बाकी जो बाय डिफॉल्ट है उसको रहने देंगे और यहाँ से देखिए क्या करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रश का साइज देखिए भी छोटा दिख रहा होगा आपको, क्लोन स्टंप टूल जो सेलेक्ट किए हैं इसका साइज जो इसके ब्रश का जो साइज है वो भी छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में जो स्क्वायर ब्रैकेट की है राइट साइड का उसको प्रेस करेंगे तो इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। और साइज घटाने के लिए आपके कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट की है उसको प्रेस करेंगे तो साइज घटेगा, ठीक है। तो साइज अपने जरूरत के अनुसार रखेंगे, इतना बड़ा साइज रखते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अल्ट बटन होल्ड रखेंगे, ठीक है। अल्ट बटन को होल्ड कर लेंगे मतलब उसको प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे एक बार प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अल्ट बटन छोड़ देंगे। ध्यान है फ्रेंड्स, अल्ट बटन होल्ड किया, वहाँ पे एक बार क्लिक किए लेफ्ट क्लिक और उसके बाद अल्ट बटन छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर यहाँ से देखिए इस तरह से चलाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या डिमेरिट आ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ का जो हेयर है यहाँ पे आ रहा है, तो कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ से, ठीक है, और अल्ट बटन फिर से होल्ड करते हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से देखिए हम इस तरह से चलते हैं तो ये देखिए अब जस्ट इसके ऊपर वाला नीचे यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए हम चला रहे हैं, लेफ्ट क्लिक किए हुए, ध्यान है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिए क्या बन रहा है कि नीचे भी आ जा रहा है ये, तो क्या करेंगे, नीचे भी चलाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से हटता चला जाएगा इस तरह से, इसी तरह यहाँ पे भी हटा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो इफेक्ट है वो नीचे आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, अल्ट बटन फिर से प्रेस करते हैं और एक बार देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से चलाएं, ठीक है। इसी तरह हम पूरा को इस तरह से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक बार क्लिक किए, ठीक है फ्रेंड्स, और कंट्रोल प्लस जीरो बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस जीरो बटन प्रेस करके आप स्क्रीन के अनुसार इसको फिट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मूव टूल पे आ जाते हैं, मूव टूल को सेलेक्ट कर देते हैं या फिर भी बटन प्रेस करके भी आप मूव टूल पे जा सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए, यहाँ पे देखिए जो लिखा होता है इसको हम रिमूव कर लिए। F7 प्रेस करते हैं, ठीक है। F7 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक लेयर्स का डायलॉग बॉक्स खुला है, ठीक है। F7 प्रेस करेंगे तो देखिए गायब हो गया, F7 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, ये जो बैकग्राउंड लेयर है
तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए ड्रैग करके यहाँ पे नीचे ला के छोड़ देंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। या फिर कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करेंगे तो भी इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। बट ये देखिए अभी आपको लॉक दिखा रहा होगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो है लॉक पोजीशन, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम इसका एक डुप्लीकेट बना लिए हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, लेवल्स चेक करते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा डार्क है तो इसका हम लाइट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर में जाते हैं और यहाँ पे लेवल्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके जा सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस एल बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कमांड है इसका, तो कंट्रोल प्लस एल बटन प्रेस करके और यहाँ पे देखिए जो डायलॉग बॉक्स खुला है यहाँ पे जो राइट साइड में अपवर्ड एरो की है इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा जहाँ से ब्लैक स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से चेंज हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ मिडल में जो है इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाते हैं। ठीक है, हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ से देखिए हम ओके करते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपको लेयर्स वन है इसको यहाँ से देखिए हम विजिबिलिटी इसका बंद करते हैं। तो ये देखिए पहले इस तरह का था, अब इस तरह का हो गया। ठीक है, इतना समझ गए फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करके इसका भी एक डुप्लीकेट बना लिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेनू बार में आएंगे और फिल्टर मेनू में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको फिल्टर मेनू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लर। ठीक है, ब्लर पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ब्लर पे जाने के बाद गॉसियन ब्लर है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको ये जो रेडियस दिख रहा है, आपको रेडियस क्या करना है, अपने जरूरत के अनुसार ही रखना, आपके इमेज का क्या रिजोल्यूशन है, क्या साइज है, उसके अनुसार ही रखना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 42 के आसपास रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए इमेज आपका कुछ इस तरह का हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर्स में ही देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एड लेयर मास्क का ऑप्शन, अल्ट बटन होल्ड करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, टूल बार में आएंगे और यहाँ से देखिए ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन बार में आएंगे और यहाँ से देखिए जो ब्लर है उसको ब्लरिश टाइप का सिलेक्ट रखेंगे, मोड नॉर्मल रहने देंगे और ओपेसिटी क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, 39 और 40 के आसपास रखेंगे। ठीक है, और फ्लो 100 रहने देंगे। ठीक है, और ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको ऑलरेडी पता है, स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड के। ठीक है, तो साइज बड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो हम इतना बड़ा साइज रखते हैं और इमेज को क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करके इसको हम जूम कर लेते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पर हम इस तरह से देखिए चलाएंगे। ठीक है, और ध्यान रहे फ्रेंड्स एक जगह पे ज़्यादा नहीं चलाना है, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का दिख रहा है तो यहाँ पे दो तीन बार आप क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक। ठीक है, यहाँ पे दाग अगर दिख रहा है तो यहाँ पे दो तीन बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए गायब हो जाएगा। ठीक है, बाकी हल्का हल्का चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखिए हम चला रहे हैं और स्पेस बटन कर प्रेस करके आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम चलाते जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए पिंपल्स आपको दिख रहा है तो एक बार दो तीन बार यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए गायब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स क्या करेंगे, ब्रश का साइज, और ध्यान है फ्रेंड्स ब्रश का साइज जरूरत के अनुसार छोटा बड़ा करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आँख है इसका, तो आँख के पास क्या करेंगे, थोड़ा ब्रश का साइज छोटा करके करेंगे परफेक्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे भी ब्रश का साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी चला लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ये पिंपल्स वगैरह दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो तीन बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पूरा फेस पे चला लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नोज पे चलाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतेंगे। ठीक है, परफेक्ट रिजल्ट के लिए। तो इस तरह फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पे ब्रश कर लिए। ठीक है, और ये जो लेयर्स का है इसको हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए अभी आपको ये पूरी तरह से नेचुरल नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम नेचुरल लगने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लेयर्स में ही क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए सिलेक्टिव कलर पे आते हैं। सिलेक्टिव कलर पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेड है, इसको हम यहाँ से येलो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये येलोनेस अभी थोड़ा दिख रहा है इसके फेस। यहाँ से देखिए येलो को हम क्या करते हैं 50 के आसपास रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैजेंटा को देखिए हम 0 ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सियान को क्या करते हैं 50 के आसपास रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए ब्लैक को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरह से 8 के आसपास रखते हैं। ठीक है, येलो चेक कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लैक पे जाते हैं और ब्लैक को थोड़ा सा यहाँ से देखिए कम करेंगे और बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए बढ़ाने पे थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है, हल्का सा बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे और ह्यू सेचुरेशन पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 6 और 7 के आसपास रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए ओके कर देते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स इसका ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाते हैं और यहाँ देखिए ब्राइटनेस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 9 और 10 रखते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 4 के आसपास रखते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट अब आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। स्नैपशॉट लेने का शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस ई, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स ध्यान रहे, स्नैपशॉट लेने से पहले ध्यान रहे कि सबसे ऊपर वाले पे हम चेक रखेंगे, ठीक है, क्लिक किए हुए रहेंगे या फिर सेलेक्ट किए हुए रहेंगे। तो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई बटन एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका स्नैपशॉट आ गया। अब फ्रेंड्स इसमें और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे देखिए हम आते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और लेवल्स में जाते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए जो राइट साइड में जो एरो की है अपवार्ड की तरफ, इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एरो की है इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और बीच में है इसको देखिए हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना पे रखते हैं और यहाँ से देखिए ओके कर देते हैं। तो ये देखिए और थोड़ा ये क्लीन हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और कर्व्स में जाते हैं, हल्का सा कर्व्स को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा इफेक्ट इस तरह से बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पे अल्ट और कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे जो सबसे पहला जो इमेज है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर, इसके आई पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो देखिए सबसे पहला जो इमेज था मेरा इस तरह का था और अब जो इमेज हम बनाए हैं वो कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। और एक बात फ्रेंड्स, इस तरह का एजुकेशनल वीडियो हम हमेशा लेके आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ सीख मिलती है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।